नमस्कार दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। सीटी ग्रुप सी व डी भर्ती से जुड़ी नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की खबर के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 32,000 से अधिक ग्रुप सी की भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी की जा रही है। उसमें 21 जून के बाद परीक्षा शुरू होगी। आयोग ने 64 ग्रुप बनाए हैं, इनमें से 60 ग्रुपों के स्क्रीनिंग टेस्ट पंचकूला में कराने की तैयारी है। जो 64 ग्रुप है उनमें से 60 के तो पंचकूला अकेले में ही एग्ज़ाम करवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुपों में परीक्षा देने वाले युवाओं की संख्या कम रहेगी, जबकि 12वीं तथा स्नातक की परीक्षा में 15,000 से अधिक युवा होंगे और उनकी परीक्षा कुरुक्षेत्र और करनाल सेंटर पर होगी। यानी कि बीए वाले और 12वीं वाले कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, 15,000 से अधिक है, तो इनका एग्ज़ाम कुरुक्षेत्र और करनाल सेंटर पर लिया जाएगा। और साथ में जो तकनीकी पद हैं उनके अंदर बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, तो उनका एक ही एग्ज़ाम सेंटर पर सभी कैंडिडेट के जो एग्ज़ाम है वो लिए जा सकते हैं। अगर किसी ने दो शिफ्ट में अप्लाई किया हुआ है तो उनका दो अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और ग्रुप सी की स्क्रीनिंग के लिए जो युवा क्वालिफाई करेंगे उनको बताया जाएगा कि वे किस ग्रुप में हैं और उसका परीक्षा केंद्र कहाँ आया है, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं ग्रुप डी की भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए एक ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन कम जरूर हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि जिन युवाओं ने ग्रुप सी के लिए आवेदन किया है और वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, उनमें से बड़ी संख्या में युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रुप डी के लिए भी आवेदन किया होगा। जिन युवाओं को ग्रुप सी की नौकरी मिल जाएगी, यानी कि ग्रुप सी में जो कैंडिडेट लग जाएंगे उनका नाम ग्रुप डी से परीक्षा से डिलीट कर दिया जाएगा और ग्रुप डी का सीटी सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार जो सी में लग जाएगा वो डी में एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, तो उस डी के अंदर कंपटीशन कम हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिए जीके रफ्तार चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।